है ना दोस्तों, आज हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसका स्लीव की चौड़ाई रखी है 6.5 और लेंथ इसकी 10.5 है। तो अब हम इसमें स्लीव के निशान लगाएंगे। तो मैंने इसमें 3 इंच पर निशान लगाया यहाँ से। अब क्या करेंगे, हम इसे शेप देंगे स्लीव का इस तरह से। ये हमारा शेप हो गया, इस तरह से दिया जाएगा इसका। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से बॉटम रखेंगे। जितना भी आप बॉटम रखना चाहते हो और रख सकते हो। तो मैंने इसमें 4 इंच रखा है और सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ 1 इंच बनाया था, 5 इंच हो गया टोटल। अब इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे हम। इस तरह से हमारा ये ड्राफ्टिंग हो गई कंप्लीट स्लीव्स की। और यहाँ से हम कटिंग करेंगे जैसा हमने शेप दिया है। इस तरह से काटने के बाद अब यहाँ से अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो मैंने यहाँ से 3.5 पर निशान लगाया और यहाँ से हम 2 इंच हम यहाँ से लेंगे और 2 इंच हम यहाँ से लेंगे। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे। तो ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। और इसको इस तरह से तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई ड्राफ्टिंग। तो यहाँ से हम यहाँ से काटेंगे और यहाँ से तो इसका शेप इस तरह से आएगा बनने के बाद, कटने के बाद। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने ये शेप काटा है वैसे ही हमें पट्टी लगानी है और उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। आप चाहे तो इसमें पाइपिंग भी कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगी। लेस वगैरह भी लगा सकते हो, उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी ये। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर चुनर डालेंगे। चुनर डालने के लिए हमें ये जो बॉटम होता है ये हमें फालतू रखना पड़ता है। तो मैंने इसमें ये चुनर डालने के लिए अलग से लगाया। इसे हमें 4 इंच रखा है मैंने, इसे चौड़ाई इसकी लेंथ इसकी मैंने 12 इंच है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही काट लिया था। इस तरह से हम इसे सीधा कर देंगे जो भी हमारा कोना से लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसमें चुनर डालेंगे इस तरह से, इस तरह से डालेंगे। इस तरह से डालते हुए सारे में पड़ेगा, जितनी भी हमारी बोट है, ये हमारा जितना भी है उतना हम सिल लेंगे और बाकी हमारा ये चुनर यहाँ से पड़ जाएगा। तो इस तरह से ये स्लीव्स बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमारा डिजाइन वाला स्लीव्स बन जाएगा। तो दोस्तों इस स्लीव्स को आप जरूर बनाना, बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। ये ज़्यादा ही ट्रेंड में है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।